हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन बोर्डियम 2020 में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप लोग का कल 17 तारीख को साइंस का एग्ज़ाम है। आज हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हुए तो जाके जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से सभी। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण। यानी सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है CO2, CH4, कोयला या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, CH4। CH4 का मतलब क्या हुआ? मेथेन। यानी बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वह मेथेन होता है, यानी CH4। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है जनित्र, गैल्वेनोमीटर या ए मीटर या विद्युत मोटर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जनित्र। यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के अग्रपाद एवं चमगादड़ के पंख कौन कैसे अंग हैं? मनुष्य के अग्रपाद एवं चमगादड़ के पंख कैसे अंग हैं? ऑप्शन है समजात अंग, असमजात अंग या समरूप अंग या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, समजात अंग। जो मनुष्य के अग्रपाद और चमगादड़ का पंख है वह कैसे अंग है? तो समजात अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 के साथ थे कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 के साथ कैसी अभिक्रिया, यानी कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन है ऑक्सीकारक, अवकारक, विस्थापन या इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अवकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी अपचयन उपचयन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं? ऑप्शन है प्रिज्म, अवतल दर्पण, कांच की सिल्ली या उत्तल दर्पण। इस क्वेश्चन का आप आंसर जाके कमेंट में भी कर सकते हैं। आप लोग बता दें इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रिज्म। आप लोग कमेंट वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एथनोइक अम्ल का तनु विलयन कहलाता है? किसी एथनोइक अम्ल का तनु विलयन कहलाता है? ऑप्शन है सिरका या टालिन अभिकर्मक या विक्टर आयोडीन। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सिरका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन है, CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बी बिल्कुल सही है, एल्केन। तो एल्केन का समान सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है, यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, CaOCl2। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है? ऑप्शन है टीन का, तांबा का या शीशा और टीन का, यानी इनमें से कोई नहीं।
इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शीशा और टीन का। जो बिजली के फ्यूज तार बना होता है वो शीशा और टीन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है वर्तिका, पराग कोष या परानति या सभी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पराग कोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्न में से कौन है। ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, या ग्लूकोज, या O2 यानी ऑक्सीजन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ग्लूकोज। जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद होता है वह ग्लूकोज होता है। आप लोग वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए लोग कि ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।